हेलो नमस्कार, क्या हाल हैं आपके? आई होप अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका ऑटो रेडल के यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी ऑटो रेडल है कि अगर आपका बजट है अराउंड 2000 रुपये और आप चाहते हैं एक बेस्ट हेलमेट लेना, तो कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और इसी ऑटो रेडल को सॉल्व करने के लिए हम लेके आ गए आपके लिए 5 बेस्ट हेलमेट्स जो आप बाई कर सकते हैं अंडर 2000 रुपीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलमेट लेने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए पहले बात कर लेते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए हेलमेट लेते हुए, वो है हेलमेट का सर्टिफिकेशन। हमेशा ध्यान रखें कि आप एक ISI सर्टिफिकेशन या ISI मार्क वाला ही हेलमेट लें और पहने। विदाउट ISI मार्क वाला हेलमेट बेचना और पहनना दोनों ही लीगल नहीं है इंडिया में, और आपको फ़ाइन हो सकता है इसके लिए। दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ हेलमेट। हमेशा ध्यान रखें कि कैसे टाइप का आपको हेलमेट पहनना चाहिए। अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो हमेशा एक फुल फेस वाला ही हेलमेट पहने, हाफ फेस वाला हेलमेट बिल्कुल मत पहने। तीसरी चीज़ है हेलमेट लेने से पहले उसका इनर और आउटर मटेरियल ज़रूर देख लें। एंड चौथी चीज़ है हेलमेट का वेट। हमेशा ध्यान रखें कि आपका हेलमेट 1.5 किलो से नीचे ही हो, जो एक स्टैंडर्ड वेट माना जाता है। अगर आपका हेलमेट 1.5 किलो से ज़्यादा का होगा तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा उसको पहनना लॉन्ग राइड्स में। अगर आप ज़्यादा देर तक आप हेलमेट को पहनते हो तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा वो आपके लिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं लिस्ट के साथ। तो 5वें नंबर पे जो हेलमेट आता है वो है स्टील बर्ड का SPH-17 टर्मिनेटर हेलमेट। ये काफ़ी यूनिक एंड फंकी लुकिंग डिज़ाइन के साथ आता है। बहुत सारे कलर ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं, और अगर आप चाहते हो एक फंकी लुकिंग ग्राफिक्स वाला और कलर्स वाला हेलमेट लेना, देन दिस इज़ द बेस्ट पिक फॉर यू। इससे बेस्ट फंकी लुकिंग ग्राफिक्स और कलर्स वाला हेलमेट आपको नहीं मिलेगा 2000 के अंदर में। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, एयर वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। बस जो दो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है वो हैं कि नॉन रिमूवेबल एंड वॉशेबल इनर पैडिंग्स के साथ आता, तो आप उसको निकाल के साफ नहीं कर सकते उसकी पैडिंग्स को। वेट जो है इसका वो थोड़ा सा हाईएस्ट साइज पे है, 1.94 केजीज का वेट है इसका। सो इसीलिए 5th नंबर पे हेलमेट आता है हमारी लिस्ट में। बट स्टिल ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। एंड अगर आप चाहते हो स्टील बर्ड का हेलमेट लेना तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो अमेज़ॉन पे आपको अराउंड 1950 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट इस रेंज में आपको ये हमेशा मिल जाएगा। जो 4th नंबर पे हमारी लिस्ट में हेलमेट आता है उसका नाम है स्ट्रट्स थंडर D1। अब स्ट्रट्स की थंडर लाइनअप काफ़ी बड़ी है, इनफैक्ट इसमें D1 से लेकर D9 तक आपको मिल जाते हैं। बट D1 एक ऐसा हेलमेट है जो काफ़ी अच्छा दिखता है, एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। रिमूवेबल एंड वॉशेबल इनर पैडिंग्स के साथ आता है, एयर वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा है इसका, एंड प्लस एक काफ़ी लाइट वेट है। इनफैक्ट वन ऑफ द लाइटेस्ट इन दिस लिस्ट है ये, 1.35 केजीज के अराउंड इसका वेट आता है। एंड अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 1700 से 1800 के बीच में आपको हेलमेट हमेशा मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। एंड हाँ, ये ध्यान रखिएगा जो भी हेलमेट्स मैं आपको बता रहा हूँ लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। 3rd नंबर पे जो हमारी लिस्ट में हेलमेट आता है वो है वेगा का स्टॉर्म एटॉमिक। काफ़ी गुड लुकिंग डिज़ाइन के साथ आता है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं इसमें। बिल्ड क्वालिटी अगेन टॉप नॉच है इसमें। रिमूवेबल एंड वॉशेबल पैडिंग्स के साथ आता है, एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। वेट थोड़ा सा हायर साइड पे है जो है 1.58 केजीज का, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एंड अगर आप वेगा के एक हेलमेट चाहते हो तो 2000 के नीचे आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। 2nd नंबर पे जो हेलमेट आता है हमारी लिस्ट में वो है स्टील बर्ड का SBA-1 फ्री लिव। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक लुकिंग डिज़ाइन के साथ आता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, वाइड एंगल व्यू ऑफर करता है, एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, और ये इनफैक्ट इस लिस्ट में सबसे लाइट वेट हेलमेट है। इसका वेट अराउंड 1.2 केजीज के अराउंड आता है। बट इसमें एक नेगेटिव चीज़ जो है वो है नॉन रिमूवेबल एंड वॉशेबल इनर पैडिंग्स के साथ आता है, तो आप उसको निकाल के साफ नहीं कर सकते। बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड लुकिंग हेलमेट, एंड इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ स्टील बर्ड हेलमेट ओनली, देन दिस इज़ द बेस्ट स्टील बर्ड हेलमेट यू कैन बाय अंडर 2000 रुपीज़। जो 1st नंबर पर हेलमेट आता है हमारी लिस्ट में वो है स्ट्रट्स का थंडर D2। जैसे हमने बात किया था थंडर लाइनअप इनकी काफ़ी लंबी है, एंड D2 उसी का एक पार्ट है। D2 काफ़ी गुड लुकिंग डिज़ाइन के साथ आता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रिमूवेबल एंड वॉशेबल इनर पैडिंग्स है इसकी, लाइट वेट है, एयर वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। एंड इनफैक्ट स्टड्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस हेलमेट पे, और जो भी सारी चीज़ें आपको एक हेलमेट में चाहिए अंडर 2000 रुपीज़, ये सब के सब फुलफिल करता है। इनफैक्ट दिस इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हेलमेट इन दिस लिस्ट, इसलिए ये है हमारी लिस्ट में 1 पे। एंड अगर आप स्टड्स का हेलमेट लेना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट हेलमेट जो आप बाय कर सकते हो 2000 के नीचे।
इन पांचों हेलमेट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक क्लिक करिए, जो आपको हेलमेट अच्छा लगता है आप उसको खरीद सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।